भाई मैं अभी आया ही हूँ और अभी आज समस्तीपुर का हम लोग का कार्यक्रम है। अगर मेरी जानकारी सही है तो संभवतः बाबा का कल तक का ही कार्यक्रम है, तो देखते हैं क्या कार्यक्रम बनता है। बात नहीं, अब बड़े हैं भाई, अब वो कभी वही मुझे लंबी उम्र का आशीर्वाद देते थे, अब अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं, बड़े हैं जो कहें सर आँखों पर। ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री जी के पास इतनी फुर्सत है कि वो दरवाजे दरवाजे विपक्ष के नेताओं के पास अपने प्रधानमंत्री बनने की अर्जी लेकर जाएं, पर उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि जहाँ पे हत्याएं हुई हैं उन पीड़ित परिवार से जाके मिल लें। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान हैं। चिराग पासवान, जिस तरह से कर्नाटका के रिजल्ट आए हैं, क्या एनडीए के लिए ये झटका है, बीजेपी के लिए ये झटका है? देखिए, झटका मतलब अगर आप इसको 2024 के चुनाव को मद्देनज़र रख के अगर आप सोचें तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हर चुनाव एक इंडिविजुअल चुनाव होता है। उस चुनाव के वक्त की क्या परिस्थितियां होती हैं, क्या माहौल होता है, उस पर निर्धारित वो चुनाव के परिणाम होते हैं। बट बहरहाल ज़रूर कोई भी चुनाव को हारना एक सीखने की बात तो ज़रूर है, उससे सीखना ज़रूर चाहिए कि कहाँ पे क्या चूक हुई, क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि इन चुनाव को 24 के चुनाव से जोड़ के देखा जा सकता। बाबा बागेश्वर पटना आए हुए हैं, क्या आप भी जाएंगे क्या? भाई मैं अभी आया ही हूँ और अभी आज समस्तीपुर का हम लोग का कार्यक्रम है। अगर मेरी जानकारी सही है तो संभवतः बाबा का कल तक का ही कार्यक्रम है, तो देखते हैं क्या कार्यक्रम बनता है। पशुपति पारस ने आपकी सुरक्षा को लेकर जो बयान दिया, उससे को लेकर आप क्या कहेंगे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी पार्टी ने ज़रूर बहुत हार्ड बयान था। कोई बात नहीं, अब बड़े हैं भाई, अब वो कभी वही मुझे लंबी उम्र का आशीर्वाद देते थे, अब अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं, बड़े हैं जो कहें सर आँखों पर। चाचा नीतीश जो हैं वो लास्ट टाइम ओडिशा गए थे, झारखंड गए थे, मुंबई तक का दौरा करके आ रहे हैं, एक बड़ी कवायद में विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, क्या लग रहा है कितना एकजुट कर पाएंगे वो? ये तो समय ही बताएगा। और बार बार मैंने कहा है कि जो मुख्यमंत्री बिहार को एकजुट नहीं रख पाए, जिन्होंने बिहार में बांटने की राजनीति के आधार पर ही मुख्यमंत्री पिछले दो दशकों से वो बने रहे हैं, ऐसे में वो विपक्ष को एकजुट करें ऐसा लगता नहीं है। जिन मुख्यमंत्री ने बिहार में जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया, दलित महादलित किया, पिछड़ा अति पिछड़ा किया, हिंदू मुस्लिम तमाम तरीके की जातियों में बांटने का काम किया, आज वो विपक्ष को एकजुट करने की सोच के साथ वो निकले हैं। कितना विपक्ष उनके नेतृत्व में एकजुट होता है ये तो समय ही बताएगा, पर ध्यान उनका केंद्रित ज़्यादा आज की तारीख में बिहार को ज़रूरत है। बिहार में रोज़ हत्याएँ हो रही हैं, ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री जी के पास इतनी फुर्सत है कि वो दरवाजे दरवाजे विपक्ष के नेताओं के पास अपने प्रधानमंत्री बनने की अर्जी लेकर जाएं, पर उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि जहां पे हत्याएं हुई हैं उन पीड़ित परिवार से जाके मिल लें, या जो लोग बिहार में बदहाली की कगार पर हैं, अभ्यर्थी हों, शिक्षक हों, छात्र हों, उनसे जाके मुलाकात कर लें, ये फुर्सत नहीं है और ये चिंता की बात है। चलिए, थे चिराग पासवान हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जो कि अभी अभी दिल्ली से पटना लौटे हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री को इस बात की चिंता नहीं है, इस बात की फिक्र नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है, उन्हें तो बस इस बात की फिक्र है कि किस तरीके से विपक्ष को एकजुट जो है वो किया जाए। रही बात क्या चिराग पासवान बाबा बागेश्वर से मिलने जा रहे हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो काफ़ी व्यस्त हैं, फिलहाल वो मिलने नहीं जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।